हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले पर्सिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड के बारे में। कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया था, Q3 का रिजल्ट अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छे था। उसके बाद स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाइंग भी देखा था, बट कंप्लीट एनालिसिस स्टॉक का हो नहीं पाया था। सो आफ्टर द रिजल्ट किसी भी स्टॉक के बारे में हम कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनी थे जो फ्राइडे में बहुत नीचे क्लोज हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट इशू ही करने वाले। सो दैट इज द रीजन आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद ही आपको एक अच्छा अपडेट मिलेगा। अगर परसिस्टेंस सिस्टम की बात करें, इसने तो क्लोजिंग दिया है वो ग्रीन पे क्लोजिंग दिया है, यानी 4300 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है। 52 एक्स हाई ऑलमोस्ट 5000 है, 52 एक्स लो ऑलमोस्ट 1500 है। स्टॉक ने ऑलरेडी अपने 52 एक्स लो से बहुत अच्छा रिटर्न दिया टू द इन्वेस्टर मोर देन 3 times। एंड आफ्टर टचिंग 52 एक्स हाई स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो चुका था बिफोर द रिजल्ट, बट रिजल्ट इज वेरी गुड। जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही रिजल्ट है, एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी ने दिखाया। तो डेफिनेटली स्टॉक ग्रीन में, एंड करेक्शन में आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा कंपनी है एंड आपको अच्छा रिटर्न भी देगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 57 है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनी जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत एक्सपेंसिव है, बट इट्स अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर, ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में डीवीज लैब, उसी तरह से इन दिस पर्टिकुलर मिड कैप आईटी स्टॉक में परसिस्टेंस सिस्टम इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। अगर इसके मार्केट कैप को देखें 32,874 करोड़ का मार्केट कैप भी है। एंड टेक्निकल स्कोर अगर हम देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई में रिलेटिव सेंसेशन मनी फ्रंट के शॉर्ट टर्म के स्टॉक के मूवमेंट को दिखाता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में इसका स्कोर 40, एमएफआई में 27.8। ऑल द स्टॉक लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा चला है, बिफोर द रिजल्ट स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ था। एंड अगर हम 1 month का लो देखें 4182 है, वहां से स्टॉक ऊपर है। एट दैट मोमेंट बहुत ऊपर तो नहीं है, बट डेफिनेटली, बट आई डोंट नो व्हाई इन एमएफआई इट्स शोइंग ओवरसोल्ड। एमएफआई में 27.5 का स्कोर है, बिकॉज स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा करेक्ट हुआ, थोड़ा रिकवर हुआ, दैट इज द रीजन। सो डेफिनेटली स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक होने का तो पूरा चांस है। अगर किसी कारण स्टॉक नीचे गिरता है, सो डेफिनेटली रिजल्ट जो स्टॉक का अच्छा होता है, सो करेक्शन में सभी बाय करते हैं। सो अगर आपको स्टॉक करेक्शन में मिला, डेफिनेटली बाय कीजिए। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग, ओके, क्योंकि मार्केट अगर गिरता है तो सभी स्टॉक में हम थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका होराइजन बहुत लॉन्ग टर्म का, यानी 5 साल का, तो डेफिनेटली आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। 3 month का जो लो है 3665 है, एंड 4987 इज द 3 month हाई, एज वेल एज 52x हाई एज वेल। सो 6 month लो 2813। सो डेफिनेटली स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए स्टॉक का बॉटम कहां पे क्या पाना मुश्किल है। 2800 3500, दीज आर द बॉटम, बट यहां से बहुत नीचे साइकोलॉजिकली 4000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे है। सो डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो ये स्टॉक नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, बट मार्केट करेक्शन में कुछ भी हो सकता है। सो जितना नीचे मिले आपको स्टॉक को बाय करना है, लॉन्ग टर्म में स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न भी देगा, देयर इज नो डाउट ऑन दैट। 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, या फिर 100 डे एक्सपोजर मूविंग एवरेज, 200 एक्सपोजर मूविंग एवरेज जो है उसमें 100 डे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4055 एक्सपोजर मूविंग एवरेज का 100 डे एंड 200 डे 3355 जो बहुत दूर है, सो उसको बारे में डिस्कस करके कोई फायदा नहीं। अनफॉर्चुनेटली इसने 50 डे एक्सपोजर मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ऑल्दो 4365 इज ऑल्सो नॉट टू फास्ट, सो 4000 इज अ रेजिस्टेंस, उसके करीब मिले तो डेफिनेटली स्टॉक को बाय कीजिए। फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो डेफिनेटली आप इस टाइप प्राइस भी बाय कर सकते हो। बट अगर आपका हॉरिजन 1-2 साल का है, सो आई एम नॉट सेइंग दैट ये गिरेगा, बट अगर करेक्शन होता है, सो डेफिनेटली आपको 4000 करीब स्टॉक को बाय करना है। रिजल्ट निकल गया, सो देयर इज नथिंग अनएक्सपेक्टेड इज कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर अच्छा न्यूज आएगा तो आएगा, खराब न्यूज आने के चांसेस थोड़े कम है ना। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस डेफिनेटली 4365 है, उसके बाद 4455 एंड 4539। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 4162, 4078 एंड 3973। अगर हम इसका पेयर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑल आर कंपनीज आर माय फेवरेट। एंड बहुत सारी कंपनीज ने रिजल्ट को डिक्लेयर किया, जिसमें एल&टी इंफोटेक का रिजल्ट शानदार है, एम्फेसिस का रिजल्ट भी अच्छी, टाटा इलेक्सा का सारा रिजल्ट सबसे बढ़िया है, ओरेकल फाइनेंस का रिजल्ट भी अच्छा है, पर्सिस्टेंस सिस्टम। सो डेफिनेटली बहुत सारे कंपनीज है, ओरेकल फाइनेंस, कोफोर्ज, केपीआईटी टेक जो कि न्यूली एड हुआ है, ऑल दो सारे कंपनीज के परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे कंपनी जो रिजल्ट को डिक्लेयर करने वाले हैं। इसमें परसिस्टेंस सिस्टम जो है वो नंबर 11 पाता है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्केट कैप। ओरेकल फाइनेंस से थोड़ा ऊपर है, टाटा इलेक्सा थोड़ा नीचे। इसका आरओसी भी खराब नहीं है 21 का, हालांकि टाटा इलेक्सा जो बहुत बढ़ चुका है। डेफिनेटली अब आपको उन स्टॉक में फोकस करना है जिनका रिजल्ट अच्छे, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत एक्सपेंसिव है। इसमें परसिस्टेंस सिस्टम अच्छा स्टॉक है, एम्फेसिस, माइंडट्री, एल&टी इंफोटेक, इन सारे स्टॉक के ऊपर आपको फोकस करना है। टाटा इलेक्स इज अ वेरी गुड स्टॉक, बट थोड़ा करेक्शन में अगर आपको मिले, आई थिंक दैट विल बी द सेफेस्ट बेट। रिजल्ट को अगर थोड़ा देख ले, सो डेफिनेटली परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस में कंसिस्टेंट ग्रोथ देख सकते हो। 173 करोड़ का प्रॉफिट इन दिस क्वार्टर कंपनी ने शो किया, जो 152 करोड़ था जून में, 166 करोड़। सो लास्ट अगर हम
10-12 क्वार्टर के रिजल्ट देखोगे सबसे बढ़िया इसी क्वार्टर में, नीचे एंड एवरी क्वार्टर देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ, दैट इज समथिंग इज आई एम ट्राइंग टू से। सो वी होप नेक्स्ट क्वार्टर में ये 190 से 200 करोड़ का प्रॉफिट भी शो कर सकते हैं, स्टैंड अलोन सॉरी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को देखें, सो 167 करोड़ थे वर्सेस 162 करोड़ एंड अगर लास्ट ईयर सेम क्वार्टर का देखो 121 करोड़, सो इन दैट केस भी आप कंसिस्टेंट ग्रोथ देखते हो। सो स्टैंड अलोन ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ एंड ईपीएस जो है वो 23 के हो गया है जो कि लास्ट क्वार्टर में 21 था एंड जून में 19, सो देयर इज अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड दैट इज समथिंग ये कंपनी वन ऑफ माय फेवरेट। किसी भी टाइम रिजल्ट के बारे में स्टॉक ने डिसअपॉइंट नहीं है कि इसलिए ग्रोथ भी अच्छा है। अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखा 31% एफआई का 19% डीआई का 27% एंड पब्लिक होल्डिंग 18.71 देयर आर हार्डली फ्यू कंपनी जिसमें डीआई का चेक इतना ज्यादा है कंपेयर टू एफआई एंड एफआई भी बहुत बुलिश है क्योंकि 20% का स्टेक होने इज नॉट बैड एंड डीआई इज वेरी बुलिश। डीआई ने बहुत टाइम से स्टॉक में अपने पोजीशन को बनाया है, डीआई का अगर पोजीशन ज्यादा है सो वो अपने कंपनीज को ज्यादा जानते हैं कंपेयर टू एफआई, सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टिंग फैक्टर एंड रिटेल इन्वेस्टर का 18.71% स्टेक है। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी गुड वेरी अट्रैक्टिव एंड आई होप कि ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे। बड़े इन्वेस्टर में मिस्टर शुक्ला के पास 1.44% स्टेक है एंड मिस्टर विनायक जोशी के पास 1.37, सो दैट इज अ गुड कंपनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।